हेलो व्हाट्सअप गाइस नेम इस विनोद बहादुर थापा एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फिफ्टीन हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो आज फाइनली हमारा फोर्टीथ डे इट मीन्स 40 दिन आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है तो आज इस एकदम पवन अवसर पे गाइस मैंने एक औसम सा एग्जाम्पल रखा है जो आई होप आप लोगों को मजा आएगा लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की जो हमारे चैलेंजेस है प्रैक्टिस नहीं की है आई I मीन mean, प्रैक्टिस नहीं की तो गए जब भी आपको फ्री टाइम मिले प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप ही के लिए ही है एंड कभी भी कहीं पे भी प्रैक्टिस के समय कुछ भी डाउट आता है देन डोंट वरी घबराना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट वन पार्ट टू में अपलोड कर चुका हूँ गाइस दोनों का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है ऑल गाइस तो ये देख लीजिए आज का जो प्रॉब्लम है वो काइंड ऑफ सिंपल भी है लेकिन आपको थोड़ा उसमें उसको सोचने पे वो मजबूर करेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं ठीक है एंड जो कल का जो वीडियो था वो तो बहुत ही ज्यादा औसम था कि एज फाइंड आउट करना जो वन ऑफ द टफेस्ट मतलब बेसिक लेवल में तो टफ ही था वो बट अब उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको भी ठीक है तो देखिए वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल जेनरेट बार चार्ट ये जो भी है यू you नो know, हमें आपको लग रहा होगा कि यार हमें बार चार्ट बनाना है बेसिकली तो डोंट वरी हम आगे देखेंगे बट आज नहीं बनाना है Uh, that takes an array of numbers and एंड a simple text based bar chart bar chart hame हमें बनाना है kis किस hoga होगा वो ke के pe पे होगा एंड uh, आप देख सकते हो यहाँ पे function को हम call कर रहे हैं and हम array pass पास कर रहे हैं वहाँ पे अब जो output है वो कैसे दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कैसे बोलने से देखना ध्यान से सो हेयर वी हैव फाइव जो कि इसको मैच कर रहा है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको तीन दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नौ दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है एंड यहाँ पे आपको एक जो टू दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो ना क्या ये वन तो आपको ये जो है ना एक्चुअल में ये आउटपुट है, है गाइस आपको वन लिखना होगा देन एक कॉलन आएगा एंड यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है उतने स्टार्स आपको चाहिए फिर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे आपको थ्री स्टार्स चाहिए लेकिन ये सेकेंड एलिमेंट है ना तो सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे टोटल नाइन लिखा है तो यहाँ पे आपको टोटल नाइन एलिमेंट्स आई I मीन mean, नाइन स्टार्स लगेंगे ये स्ट्रिक्स साइन भी कह सकते हो सिंबल ऑपरेटर जो भी एंड देन टू है तो दो आपको तो आ, अब आप सोचिए कि ये आप कैसे कर सकते हो अब आपको दिमाग लगाना होगा ओ माय गॉड ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले में पाँच है दूसरे में तीन है एंड तीसरे में नौ है चौथे में दो तो ये हमें कैसे पता चलेगा ऑल लड़का इस तो अब आप सोचिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि अब आप आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लूप्स तो लगाना पड़ेगा हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे आपको लूप लगाना पड़ेगा या तो आप सोचिए कि आप एरे का कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो क्या फॉर फॉरिच यूज़ करो या मैप यूज़ करूँ फॉर ऑप यूज़ करूँ या फॉर लूप यूज करूँ या, करू, या, करू, या वाई लूप यूज़ करूँ तो मैंने कहा ना आज हमारा चालीसवा दिन कंप्लीट होने जा रहा है ये है तो सिंपल ये है तो सिंपल नो डाउट लेकिन ये जो सिंपल भी तो आपको करना आना चाहिए ना आप जब इसको खुद से यूज चुटकी में करोगे तब आप बोल सकते अरे ये तो सिंपल यार चालीस दिन में भी इतना सिंपल दे रहा है ये लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो तो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हुआ ना चालीस डे के हिसाब से फोर्टी डे के हिसाब से एंड आई नो आप में से बहुतों ने फिगर आउट कर लिया है तो मैं आपको बताता हूँ चालीसवा दिन है तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है एंड इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा जी बताऊँगा गाइस क्योंकि आज का स्पेशल डे है ना ये तो मैं इसको दो तरीके से करके बताऊंगा लेकिन उससे पहले आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड लाइक्स मुझे मालूम है आप कर सकते हो वीडियो को देख लीजिए अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए कुछ ना कुछ तो कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताना जो दो अल्टरनेट सोल्यूशन बताऊंगा आपको कौन सा बेस्ट लगा या आपने उसको किस तरीके से किया ऑलर गैस तो देख लीजिए ये इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे सोचने वाली बात है ही नहीं आपको डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर पर ही जाना पड़ेगा डायरेक्टली ठीक है तो सबसे पहले तो कॉन्स्ट जनरेट बार चार्ट एंड वी हैव आवर पैरामीटर एज एन एरे चलो ठीक है अब obviously ये एक है दो है तीन है एंड देन चार है ये तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते थे है ना मैं like, uh, मैं लाइक फिलहाल यहां एक मैप मेथड यूज कर लेता हूं सो इट्स अ अंस्ट ठीक है एंड मैं न्यू ए आर आर कर देता हूं जस्ट ऐसे न्यू ए आर आर लिख दे रहा हूं मैं एंड मैं यहां पे मैप मेथड यूज करता हूँ एंड मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ uh, एक सेकेंड ये मैं नहीं कर सकता बेसिकली इसी के अंदर ही कॉल बैक फंक्शन आपको देना रहता है ऑलरेडी मैप फिल्टर रिड्यूस मेथड ये नो मैटर वट आपको आना ही चाहिए मैंने बहुत अच्छे से हमारे जो पार्ट वन है यहाँ पे मैंने आपको बताया एंड बता भी रहा है इन जार्सकिट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे एरे वाला जो पार्ट uh, आएगा सेक्शन चैप्टर्स इंक्लूडेड है तो वो आ, उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है तो ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ वी हैव अ करेंट एलिमेंट राइट हम सबको मालूम ही है एंड वी हैव अ इंडेक्सेस ओवर हियर राइट तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे क्यों ना कंसोल डॉट लॉग एंड देन ये जो भी इंडेक्स है उसको मैं प्रिंट करा दूँ तो अगर ये मैं करता हूँ राइट अगर ये मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा तो मुझे जीरो वन टू थ्री मिलेगा चलो ठीक है क्योंकि इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन मैं अगर प्लस वन कर दूँ इसको मैं हटाऊँ क्लीन करके वापस रन करूँ एंड बूम बुमगा इसी देखो वन टू थ्री एंड देन फोर मुझे आ गया अब इसी को ही इसी को ही अगर मैं इस तरीके से कली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे इस इस तरीके से डॉलर अब आप सोच होंगे भाई ये क्या कर रहा है तो कुछ नहीं मैं टेम्पलेट लिटर्स बना रहा हूँ एंड यहाँ पे अब अगर मैं करता हूँ इस तरीके से कॉलन कंट्रोल एस सेव एंड रन सॉरी अब रन इस तरीके से होगा तो देखो वन कॉलन टू कॉलन थ्री कॉलन फोर कॉलन आ रहा है मतलब वन कॉलन टू कॉलन थ्री कॉलम एंड देन ये जो भी फोर कॉलन जो है मुझे आ गया ऑल ठीक है अब मुझे ये स्टार्स कैसे लेके आऊं मैं यहां पे कहां से मैं ये फाइव है तो इस तरीके से मैं कहाँ से लेके आऊँ मैं बताओ कैसे लेके आऊँ मैं फाइव करंट एलिमेंट अगर आप ये सोच रहे हो अब मेरे को जस्ट हिट हुआ क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं करंट एलिमेंट इन टू ये स्टार में स्ट्रिक ऐसा होता है क्या कुछ आई डोंट नो क्या होता है ये नॉट अ नंबर नहीं कर सकते क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते अगर मैं प्लस कर देता तो क्या प्लस तो हम कर सकते हैं प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको फाइव स्टार थ्री स्टार नाइन स्टार एंड देन टू स्टार आ जाएगा लेकिन मुझे तो किसी तरीके से फाइव स्टार चाहिए यहाँ पे सेकंड वाले में थ्री स्टार चाहिए इसमें मुझे नाइन्थ स्टार चाहिए तो अब एक चीज़ बताओ लेट्स इमेजिन मैंने अगर आपको ये वन टू थ्री ये जो दिख रहा है लेट्स इमेजिन कि मैंने ना ये दिया ही नहीं आपको ये जो पार्ट है है ना आप ये समझ लो कि ये है ही नहीं ये है ही नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यू नीड टू क्रिएट कुछ इस तरीके से आपको पाँच स्टार बनाना है तीन स्टार बनाना है प्रिंट करना है बेसिकली एंड देन ये इसको एंड देन इसको प्रिंट करना है सिर्फ अगर इतना मैं अगर आपको बोलता आप कैसे करते इसको कैसे करते आप ऑब्वियसली आप लूप चलाते राइट चाहे वो आप फॉर लूप चलाओ डू वाइल्ड चलाओ या वाइल्ड लूप चलाओ फॉर ऑफ फॉर इन जो आपका मानो चलाओ ऑब्वियसली आप लूप चलाते तो आ, मैंने भी वही सोचा क्यों नाम यहाँ पे लूप चला दे फिर तो फिलहाल ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ वो तो जस्ट डेमो के लिए मैंने दिखाया कि कैसे हम कर सकते थे एंड कहाँ आके अब हमें लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा लेट uh, स्टार आ एक वैल्यू में ले लेता हूँ एम मुझे लगेगा इस्टार दिखाना है ना मुझे एंड मुझे नंबर भी तो बताना पड़ेगा कि पाँच चाहिए कितने चाहिए तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ बाई डिफॉल्ट पहले जीरो चलो ठीक है ये सब के सब मैं मैप के अंदर कर रहा हूँ अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो फॉल लूप यूज़ कर सकता हूँ वाइल्ड लूप यूज कर सकता हूँ बट लेट्स गो विथ वाइल्ड लूप क्योंकि आई गेस मैंने अब तक वाइल लूप यूज नहीं किया पता नहीं किया है नहीं आई I मीन mean, हमारे इस सीरीज में लाइफ में तो बहुत यूज़ कर लिया मैंने अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कंडीशन देना होता है कंडीशन मेरा ये रहेगा कि मेरा ये जो नंबर है मेरा ये जो नंबर है ये जब तक मेरा ये जो करेंट एलिमेंट है उससे छोटा नहीं हो जाता या उस आई I मीन mean, उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको चलाते रहना है तो कहीं ना कहीं ये बेस केस कंडीशन है सिंपल एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो स्टार में मैं स्टार प्लस ये आपको ना कैसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो डायरेक्टली ये लिख देते तो ये फिर एरर हो जाता है हम नहीं कर सकते तो आपको एज ए स्ट्रिंग की तरह इसको लिखना पड़ेगा तो सिंपल है फर्स्ट टाइम हमारा जो नंबर है वो होगा जीरो करंट एलिमेंट तो हमारा पहला पांच है तो ऑब्वियसली ये तो फॉल्स आई मीन इट्स ट्रू नॉट सॉरी फॉल्स बोल रहा हूँ मैं भी फिर ये तो ट्रू हो गया तो स्टार की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी अब वाई लूप जो है अगर आप इस तरीके से लिख दोगे समझ रहे हो कंडीशन दे दी क्या करना है वो भी बता दिया बट विदाउट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि वापस ये जब हम लूप चलाए तब ये जो जीरो की वैल्यू हो वो बंद हो जाए समझ रहे हो मतलब कुछ तो देना पड़ेगा ना एल सी इन्फिनिट रूप में चला जाएगा सो डैट्स वाई नंबो प्लस प्लस तो ये इंक्रीमेंट मैंने कर दी सेकेंड टाइम इट विल बी लाइक वन राइट क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया था तो अब ये जो मेरा स्टार है तो ऑलरेडी फर्स्ट में ही स्टार बन गया था तो ये कुछ इस तरीके से तो नाउ इट विल बी लाइक टू स्टार समझ रहे हो तो ये अब इस तरीके से चलेगा यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ तो कहने का मतलब है कि जीरो में वी हैव ओनली वन स्टार जब ये वन हो जाएगा देन गाइस वी विल हैव लाइक टू स्टार जब ये टू होगा देन वी विल हैव लाइक थ्री स्टार जब ये थ्री होगा तब वी विल हैव लाइक फोर स्टार जब ये फोर होगा तब हमें कितना मिल जाएगा पाँच स्टार मिल जाएगा इस तरीके से अब जैसे ही पाँच होता है जैसे ही इंक्रीमेंट हो होगी वैल्यू फाइव हो गई तब यहाँ पे वैल्यू क्यों आ जाएगी फाइव आ जाएगी अब क्या ये जो फाइव है फाइव से छोटा है ऑब्वियसली नहीं है तो वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो मतलब ये हो गया कैंसिल मुझे कितने स्टार मिल गए यहाँ पे मुझे मिल गए टोटल मच पाँच सॉरी मुझे कितने मिल गए यहाँ पे पाँच मिल गए ना तो इस तरीके से का आपका ये जो लूप है वो काम कर रहा है सिंपल है ना अब ये जो मेरा पार्ट है वायल के जस्ट बार मुझे चलना है एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होगा क्योंकि ये जो मैप मेथड है ये रिटर्न करता है ना तो मैं क्या करता हूँ ये जो मेरा स्टार है सिर्फ फिलहाल इसको मैं रिटर्न करा के दिखाता हूँ आपको ठीक है कंट्रोल एस सेव न्यू एरे जो है यहां पे चल के कंसोल डॉट लॉग न्यू ए आर आर ऑल राइट तो मैं यहां पे चल एक सेकेंड चलो ठीक है कुछ तो गड़बड़ हुआ पे या सॉरी वही मैं बोलू यार ये करेंट एलिमेंट है इधर एंड हेयर वी हैव अ नंबर हेयर वी हैव अ नंबर परफेक्ट तो इसको मैं हटाता हूँ एस सेव करता हूं मैं यहां पे एंड इसको मैं कर रहा हूँ रन एंड इसको एक बार क्लीन कर देते हैं एंड देखते हैं कि हमें मिल क्या है एंड बूम गाइस से ये देखिए ज़रा फाइव स्टार थ्री स्टार ये देखिए कितना है ये दो दो नाइन स्टार एंड देन हियर वी हैव अ टू स्टार बट देर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज कि ये अभी भी एक एरे ऑब्वियसली जब भी आप मैप मेथड यूज़ करोगे आपको एक न्यू एरे वो रिटर्न करता है सिंपल राइट right? अब मुझे तो एरे में नहीं चाहिए था ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे तो ये एरे में नहीं चाहिए भाई तब हम क्या करेंगे यहां पे तो ये जो भी स्टार है उसको हम एक काम कर सकते थे एंड डेट इज स्टार सॉरी नॉट स्टार ये जो भी न्यू ए आर आर है ना तो कंसोल्ट uh, यहां पे डॉट वी है ज्वाइंट मेथड एंड यहां पे एक न्यू लाइन कर दूंगा मैं अब इसको मैं हटाता हूं अब अगर मैं रन करूंगा परफेक्ट सी मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया कितनी इजीली मेरा काम हो गया राइट मतलब कुछ नहीं करना था मेरा काम हो गया अब मैं तो पहले खाली स्टार रिटर्न कर रहा था है ना मुझे अब स्टार रिटर्न ना करके मैं बैक टिक यूज कर लेता हूं इसको मैं इस तरीके से कली ब्रेसेस में रख लेता हूं अब मुझे यहां पे और भी चीजें लगेंगी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया वी नीड टू हैव द इंडेक्स प्लस वन एंड यहां पे ये कुछ इस तरीके से दिस इज इट ये मुझे लगने वाला अब मैं कंप्लीट इसको रिटर्न कर रहा हूं इसको हटाता हूं एंड में रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी फाइव स्टार टू थ्री स्टार थ्री नाइन स्टार एंड देन में अगेन मुझे मिला मेरा टू स्टार यही है ना ये जो है एंड यहां जो मुझे मिल रहा है सेम है या नहीं बताओ हो गया ना मेरा काम तो देखो तो कैसा लगा मैंने कहा ना गाइस आज का वीडियो है तो सिंपल लेकिन आपको समझना जरूरी था कि हम इसको कैसे सिंपल बना सकते हैं एल्स तो ये हार्ड है बहुतों के लिए कि मैप मेथड चलाओ उसके अंदर वाइल लूप चलाओ फिर इस तरीके से करो एंड एट द एंड में आपको ये ज्वाइन मेथड यूज करना है या नहीं इसका आइडिया ही नहीं आता आपको बट आपको मालूम है स्प्लिट हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट किसी को भी एरे में कन्वर्ट करने के लिए एंड देन अगेन ज्वाइन यूज करते हो वापस एरे से नॉर्मली उसको नॉर्मल स्ट्रिंग कह लो या कुछ भी कह लो इसमें उसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा अच्छा ज्वाइन किया तो मेरा काम हो गया अच्छा स्प्लिट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा समझ रहे हो तो ये था आपका तरीका करने का बट अभी भी ये देखो मुझे अनडिफाइंड आता है एट एंड में क्योंकि मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं मुझे यहां करके मुझे सेम ये डेटा जो है मुझे रिटर्न करना है तो अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो मुझे बराबर मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया राइट तो गाइस ये था मेरा फर्स्ट सोल्यूशन तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप में से कितनों को ये पसंद आया यू नो एंड लाइक टारगेट तो मैं ऑलरेडी कह चुका इट्स हंड्रेड लाइक्स ओनली बट अगर आप टू हंड्रेड वन थाउजेंड भी कर दोगे तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा इफ़ यू वॉन्ट इंस्टाग्राम में भी आप इस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हो लिंकड में शेयर कर सकते हो मुझे टैग कर सकते हो कि सर मैंने इसको सर भी क्या है यार थापा भाई मैंने इसको इस तरीके से किया बोल के ठीक है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो यार मतलब यही तो फन है एक प्रोग्रामर के लाइफ में आलतू फालतू मीम शेयर करने से बेटर अगर आप इस तरीके से के जो चैलेंजेस से है उसको शेयर करोगे आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी सामने वाले को भी मजा आएगा चैलेंज होगा यू नो ऑल राइट मैं अब आपको एक सेकेंड तरीका बताता हूँ एंड बिलीव मी ये जो सेकेंड तरीका है ये तो मतलब आपको मजा आ जाएगा ठीक है तो देख लीजिए इसको मैं एज एजेटी छोड़ता हूँ अब मैं यहाँ पे आपको सेकेंड अल्टरनेट तरीका बताता हूँ अल्टरनेट ठीक है सोल्यूशन हालांकि ये अल्टरनेट नहीं है मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप इसको यूज कीजिए ज्यादा बेटर होगा आपके लिए बहुत समय भी आपका बच जाएगा यहां पे सो इट्स अ अंस्ट जनरेट चार्ट ठीक है आप आई गेस ये ना मैंने एक बार हमारे जो भी चैलेंजेस उसमें मैंने किसी एक वीडियो में बताया था है ना एंड मैं आपको बता देखो ये तो आपको मालूम था कि हम रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली हमारा जो मैप है राइट ये तो हमने किया अभी भी सेम मैप मेथड ही है यहाँ पे भी हाँ ध्यान से देखना सेम वही आपका करंट एलिमेंट वही आपका इंडेक्स है ना एंड याद है स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था आपको कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिटर्न uh, कर सकता हूँ सेम यही जो पार्ट था मेरा इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ ठीक है अब आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया ठीक है एक काम करते चलो एक काम करते इसको अगर मैं रन करूँगा तो चलेगा नहीं बट करेंट एलिमेंट को मैं यहाँ पर पे पेस्ट कर सकता हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट आएगा कुछ ऐसा वन में फाइव टू में थ्री थ्री में नाइन फोर में टू बस मुझे किसी तरीके से फाइव के बदले फाइव स्टार थ्री के बदले थ्री स्टार नाइन के बदले नाइन टू के बदले टू चाहिए आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट एंड ये जो प्रॉब्लम है एरे मुझे मिल रहा तो ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं वी कैन यूज़ द चेनिंग मैथड या मैथड चेनिंग जहाँ पे मैं ये जो ज्वाइन uh, है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपने देखा गाइस इस यहाँ पर अब आपको एक और नया फंडा मिल गया कि आप इस तरीके से ज्वाइन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो अब जो ऐसा आ रहा था अब आपको डायरेक्टली ऐसा आ गया अब किसी तरीके से मुझे पांच के बदले पांच स्टार चीज अब आप देखना हेट इज दावर एक मेथड है हमारे पास कि भाई मुझे ये जो स्टार है इसको मुझे रिपीट करना है हाउ मेनी टाइम्स नॉट रिप्लेस इसको मुझे रिपीट करना है ये जो भी मेरा करेंट एलिमेंट होगा उतना टाइम्स एंड बुमगा इससे खत्म कितनी इजीली ये वाला जो तरीका था उसमें देखो मेरा काम हो गया मतलब बोलने में भी कितना ज़्यादा इजी है राइट हमें देखो मैप मेथड तो चलाना ही था नो मैटर वर्ड रिटर्न में हमें प्लस वन करना ही था ताकि वन टू थ्री मिल जाए कॉलर हमें लगाना ही था उसके बाद ये जो पाँच में पाँच तारा तीन में तीन तारा कितना ईजी है ना मुझे ना पाँच तारा आप रिपीट कर दीजिए ना प्लीज देखो स्टार दिया इसको रिपीट करना है कितने टाइम्स जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा चाहे वो आप जितना भी हो होलेट से यहाँ पे पाँच नहीं भाई यहाँ पे बीस थे पाँच नहीं यहाँ पे बीस था ये देखो आपको ये बीस बार रिपीट हो गया समझ रहे हो कैसा लगा आपको ये है ना कितना ज़्यादा कि कितनी इजीली जस्ट बिकॉज आपको अब आप ये ध्यान में रखना है जब भी आप कुछ पढ़ोगे आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जैसे हमारे केस में ये एरे है एरे में क्या कुछ ऐसा तरीका था जिससे मैं उससे पीस ऑफ कोड को रिपीट कर सकूं तो हमें पता चला कि वी हैव अ रिपीट मेथड एल्स जिनको इस मेथड के बारे में नहीं मालूम वो लोग हार्ड कोड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ वाई लुप जो मैंने पहले की मैंने भी पहले वाई लूप ही किया फिर मुझे रियलाइज हुआ अरे यार रिपीट तो हम कर सकते थे है ना तो तब मैंने बोला चलो ठीक है फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ सो डेट्स वाई गाइस आज था हमारा चालीस फोर्टीथ डे एंड मैंने कहा ना गाइस अब धीरे धीरे जो चैलेंज का जो लेवल है आई I मीन mean, लेवल आई I मीन mean, uh, हमारा जो भी चैलेंज का जो डिफिकल्टी लेवल है अब वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है तो गैस इन दोनों सोल्यूशन में से आपने से आई I मीन mean, आपने कौन सा किया लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इतना गाइस मैं अगर आपके लिए करता हूँ तो प्लीज एक लाइक like तो बनता है यार अभी तक अगर आप देखो एक लाइक बटन हिट कर दो ना किसका क्या जा रहा है पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी हिट कर दो कुछ तो कर दो कमेंट कर दो यस आई एम वाचिंग इतना लिख दो या आप ऑसम awesome लिख दीजिए मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है सो गैस वंस अगेन प्लीज ये जो बाकी के प्ले है जब भी आपको फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिएगा ये इसको सॉल्व करते समय कहीं कुछ अटक गए या समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जास्क्रिप्ट कोर्स में अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर्स मैंने डाले इट मीन्स कि एरे का अलग है ऑब्जेक्ट का अलग है स्ट्रिंग का अलग है डेट का अलग है मैथ ऑब्जेक्ट का अलग है जाके चैप्टर्स में देख लीजिए कहाँ पे है बस उस पर्टिकुलर को आप चेकआउट करके उस प्रैक्टिस आई मीन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा फिर से लाइक like, कमेंट एंड नेक्स्ट टारगेट है अब हमारा वन मिलियन सब्सक्राइबर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर